छह मई को यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। अमेठी और रायबरेली के अलावा राजधानी लखनऊ में भी एक एक वोट के लिए कड़ा मुकाबला बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण की 14 सीटों पर आर पार की जंग है। इनमें से अमेठी रायबरेली को छोड़कर बाकी सभी 12 सीटों पर 2014 में बीजेपी की जीत हुई थी। अगर हॉट सीट की बात करें तो अमेठी और रायबरेली के साथ ही लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर और बहराइच सीट पर सबसे बड़ा घमासान हो रहा है। एक एक वोट के लिए यहां कड़ा मुकाबला है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उसी लखनऊ की सीट के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी की टिकट पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह मैदान में हैं, तो महागठबंधन की तरफ से एसपी ने पूनम सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं प्रमोद कृष्णम, जिससे लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। लखनऊ वो सीट है जिस पर बीजेपी का पिछले 28 साल से कब्जा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से 5 बार सांसद रहे। 1991 से 2009 तक वाजपेयी यहाँ के सांसद चुने गए। लखनऊ की जनता की वाजपेयी हमेशा पहली पसंद रहे। अब राजनाथ सिंह दिवंगत वाजपेयी की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने यहां से मैदान में है। लखनऊ के साथ ही जिस सीट की तरफ पूरा देश देख रहा है वो है फैजाबाद लोकसभा सीट। इसके अंदर ही राम की नगरी अयोध्या भी आती है। फैजाबाद में बीजेपी की टिकट पर लल्लू सिंह मैदान में है। लल्लू सिंह 2014 में भी यहां से जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार लल्लू सिंह का मुकाबला एसपी के आनंद सिंह यादव और कांग्रेस के निर्मल खत्री से है। 1 मई को पीएम मोदी ने अयोध्या के पास नया बाजार में सभा की थी और इसके बाद यहां मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इसके साथ ही बाराबंकी, फतेहपुर और बहराइच में भी कांटे का मुकाबला है। बाराबंकी में कांग्रेस ने पार्टी नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रियंका सिंह रावत का टिकट काटकर इस बार उपेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। वहीं एसपी के टिकट पर रामसागर रावत चुनावी जंग में है। मुकाबला त्रिकोणीय है। इसके साथ ही बहराइच में भी तीन तरफा जंग है। यहां पिछली बार बीजेपी के टिकट पर जीती सावित्रीबाई फुले कांग्रेस के टिकट पर इस बार मैदान में है, तो बीजेपी यूपी की सभी 14 सीटों पर एक एक वोट के लिए इस बार सीधी जंग है। आखिरी फैसला अब जनता करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।